बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयानात पिछले 12-14 घंटों में बहुत सारे लोगों की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से आए हैं। कल सूबाई टास्क फोर्स ने कुछ फैसले किए और तय ये हुआ कि जो लॉकडाउन के हवाले से फैसले सिंध हुकूमत करने जा रही है उसकी तफसीलात एनसीओसी के साथ भी शेयर कर ली जाए और उसके बाद अपना नोटिफिकेशन को इशू किया जाए। कल बहुत सारी बातें चली। पहले सुबह में एक स्टेटमेंट आया असद उमर साहब का एनसीओसी का कि हम सिंध हुकूमत का साथ देंगे, भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हमने इसको खुशाइंद करार दिया। जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है और वफाकी वजीर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद होती है, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान वजीर इत्तलात एक ऑब्जेक्शनेबल बयान इशू करते हैं और कहते हैं कि सिंध को ये इख्तियार नहीं था। मुझसे आप सहाफ़ियों ने टीवी पर पूछा तो मैंने उस वक्त भी उनके सवाल को, उसके पॉइंट को इग्नोर किया, बिकॉज मुझे पता था कि वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत से बात कर चुके हैं, असद उमर साहब से बात कर चुके हैं। और वज़ीर आला सिंध ने जब कल शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें आप तमाम दोस्तों को बताया था कि मेरी गुफ्तगू इस हवाले से हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एनसीओसी के साथ हुकूमत सिंध ने शेयर किया तो ये ज़बानी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आज आपको एक कागज़ दिखाता हूँ। ये कागज़ एनसीओसी की जानिब से इशू किया गया कि जो आप लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं इसके अंदर इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखें। और इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर इवन एनसीओसी भी कराची की सूरत हाल के ऊपर तश्वीश का इजहार कर रही है और फिर ये रेकमेंड कर रही है। अब वो रिकमेंडेशंस क्या थी? रिकमेंडेशन ये थी कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को ना रोका जाए। ये पहली उनकी एक ऑब्जेक्शन थी और ठीक है, बिल्कुल हमने फौरी तौर पर कल रात को उसका एक कॉरिजेंडम इशू किया जो आके आप तमाम मीडिया के दोस्तों ने अपने चैनल पर दिखाया, जिसके अंदर इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, ट्रेन हो, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। ई कॉमर्स के हवाले से बात की गई, हमारे बैंक्स हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, पोर्ट को तो पहले ही सिंध हुकूमत क्लैरिफाई कर चुकी थी। रेस्टोरेंट्स के हवाले से कहा कि जी आप 24 घंटे के लिए इस चीज को कर दें। कहीं पर यह नहीं कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाएं, कहीं पर यह नहीं कहा कि लॉकडाउन ना लगाएं। और मैं बार बार, ये डॉक्यूमेंट है, इस पर दस्तखत भी हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि हत्तुल इम्कान सिंध हुकूमत कोशिश करती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करे, वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करे, उस इंगेजमेंट का एतराफ करते हुए फैसले किए जाते हैं, बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी जंग, सियासी जंग पीपल्स पार्टी पीटीआई एमक्यूएम की सियासी मैदान में हो सकती है। जो लोग आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं या अगर लोगों कायल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, तो लोगों में खुदा का तो क्रिएट ना करें। अंदाज में लाहौर में लगाया था तो आपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से
ये सवाल नहीं सुना होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी कि जी ये लॉकडाउन उन्होंने गलत लगाया है, ये लाहौर की मईशत के खिलाफ साजिश है, ये लाहौर की आवाम के खिलाफ साजिश है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर जिम्मेदार सियासी जमात को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। हम कोई बोजदार साहब के एडमायरर नहीं है, उनके फैन नहीं है, लेकिन हां चूंकि वक्त की जरूरत थी वो फैसला करना और ग्राउंड रियलिटी को कराची में बैठ के मुर्तजा वहाब लाहौर की नहीं समझ सकता, वो उस्मान बोजदार साहब समझ सकते हैं, उनकी हुकूमत उनकी इंतजामिया समझ सकती है। उसी तरीके से जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के जमीनी हकायक को नहीं समझ सकते, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी के जरिए, आप और मैं इस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड खुद देख रहे होते हैं। और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है कि कराची शहर में 26 जून से लेकर 31 जुलाई तक 5% केसेस में इजाफा हुआ है, 5 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। जो केस 500 थे आज से 34 रोज पहले वो 2400-2500 पे आ गए हैं। आपके अस्पताल जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे आज से एक माह पहले, वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त पैक टू कैपेसिटी काम कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल तकरीबन 70-75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आपके डॉक्टर्स, ये सेहत का मामला है, कोई सियासी मामला तो है नहीं, ये मईशत का मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, किसी सियासतदान से रुजू नहीं करते, किसी सनतकार से रुजू नहीं करते, ये सेहत का मामला है। वो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कल की मीटिंग में गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को आप साइड में कर दीजिए, सरकारी अस्पताल में काम करने वाले अमले को साइड में कर दीजिए। डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल से, डॉक्टर फैसल महमूद आ खान से, डॉक्टर सारा WHO से और डॉक्टर कैसर PMA के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। डॉक्टर कैसर ने बताया टास्क फोर्स को कि हमारे डॉक्टर्स थक गए हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स जो हमने लिखे थे उनमें कुछ 4-5 चीजों पे एडिशन की उन्होंने, उन 4-5 चीजों से मेरे ख्याल में 2 या 3 चीजें कल रात को ही नोटिफाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने बयानबाजी को ज्यादा सपोर्ट किया। हमने, आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन का की जो ड्राइव थी पाकिस्तान भर में वो सुस्त रवि का शिकार थी। ये इसी प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने, सूबाई सिंध की हुकूमत की टास्क फोर्स ने फैसला किया लोग वॉलंटरली तो वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो क्यों ना कोई ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल की जाए कि लोगों को कायल कर सकें कि वो मजबूरी में लगवा लें। फैसला हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनकी मोबाइल फिंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पिछले 4 दिन के आदादो शुमार उठाइए, 4 दिन के पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन के नंबर्स में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है। यह तजवीज हमारी तरफ से ही आई ना, मिलकर काम करें, मुत्तहद होकर काम करें, एक कॉमन नैरेटिव दें तो एक आम आदमी कन्विंस्ड फील करता है। बट पता नहीं इन लोगों को क्या इनकी मंतक है। मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छी खबर कि पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया, 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया पिछले 24 घंटे में। ये एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, 1,85,406। और मेरे पास ब्रेकडाउन है डिवीजन वाइज, आप कहेंगे कराची हैदराबाद लाड़काना सक्कर शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में कितने में, मैं वो भी आपको दे दूंगा, बट ये एक बहुत बड़ा नंबर है 1,85,000। और ये
जो पिछले चार पांच रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने, ये उसका एक नतीजा है जिसे मुस्तफीद इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। आज लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, आज भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी बड़ी कतारें हैं, लोग आ रहे हैं, वैक्सीन की एडिक्वेट क्वांटिटी वहां पर प्रोवाइड की गई है ताकि शहरी वैक्सीन लगवा सकें। और वैक्सीनेशन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे ड्राइव थ्रू या और बड़े मकामात पर स्टैब्लिश कर दिए जाएं ताकि लोगों को और आसानी हो सके। ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एतराज़ किसी ने उठाया कि जी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे आएंगे? तो आज सिंध हुकूमत ने अभी एक और नोटिफिकेशन हम निकालने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा, मूवमेंट हो पाएगी। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उस डबल सवारी की पाबंदी को वो भी करने जा रहे हैं। इंगेजमेंट के साथ तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, बयानबाजी के साथ मसाइल हल नहीं होते। हम सबको मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है। मैं मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंतजामिया ज्यादती कर रही है। आज सुबह वज़ीर-ए-आला सिंध ने अगेन इस हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की और दो चार बड़े अहम, जहां ये फैसले जो मैंने आपको बता दिए, एक और बड़ा अहम फैसला है कि अगर कोई शख्स, कोई इदारा SOP की वायलेशन करेगा तो उसको सील किया जाएगा, उसको सील किया जाएगा और 30 रोज के लिए सील किया जाएगा। और वो 30 रोज स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से। अगर कोई दुकान शटर बंद करके चल रही होगी तो उस दुकान को सील किया जाएगा और 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल, सामाजिक तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा और 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए, बाकी चीजें नहीं होनी। जो एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्जेम्प्टेड इदारे हैं, उनको काम करने की इजाजत है, वो काम करेंगे। और सिंध हुकूमत ने इंसेंटिव देने के लिए एक और चीज की है कि वो इदारे, वो इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन करवा ली है, उनको काम करने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि जो इदारा, जो तंजीम, जो कंपनी, जो दफ्तर हुकूमत की दीवी गाइडलाइंस पर अमल करेगा, अपने स्टाफ को, अपने वर्कफोर्स को कंप्लीटली वैक्सीनेट कराएगा, उसको काम करने की इजाजत दी जाएगी। और यह भी अभी नोटिफिकेशन इशू थोड़ी देर में किया जा रहा है ताकि हम लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि हाँ जी, अगर आप SOPs को फॉलो करेंगे, वैक्सीनेट कराएंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी मदद करने को तैयार है। हम अपना हाथ आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा हाथ थामें, आइए मिलकर इस मसले से निपटें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी शख्स को, मैंने आपको बताया कि जब इंतजामिया सील करेगी तो लोग नाराज भी होंगे, तो जहां पर इंतजामिया गलत काम करेगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं अगेन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप दुकान खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिम खोलेंगे, सैलून खोलेंगे, छुपके खोलेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी में खोलेंगे,
हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी में खोलेंगे तो इंतज़ामिया हक रखती है, हक हासिल है उसको कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। वी विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि ज़्यादती ना हो, लेकिन हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि आप भी किसी के साथ ज़्यादती ना करें। आखिर में एक और चहमगोई सोशल मीडिया पे बिलखसूस चल रही है कि ये हमें कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने को, खुद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने गुजारिश की थी लोगों से कि हम क्यों ना एक कैंपेन बनाएं कि आई एम वैक्सीनेटेड आर यू, और अपना वैक्सीनेशन कार्ड हम सोशल मीडिया पर रिलीज़ करें। तो मैं आज पब्लिकली कह रहा हूं कि मैंने वैक्सीनेट कराया अपने आप को, चूँकि मैं जिस ज़माने में वैक्सीनेट कराया उस ज़माने में 40 साल से कम उम्र लोगों को सरकारी वैक्सीन नहीं लग रही थी, मैंने प्राइवेट वैक्सीन लगवाई, प्राइवेट अस्पताल से स्पटनिक पैसे देके वैक्सीन लगवाई, अपने घर वालों की लगवाई, और मैं आज उसका वैक्सीनेशन कार्ड आपके सामने शो करूँगा। वज़ीर आला सिंध ने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई, कल उन्होंने आपको बताया था, और इसी तरह सिंध हुकूमत के बाकी वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs, हमारी इंतज़ामिया में चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, एडिशनल IG, बाकी सेक्रेटरीज सब ने वैक्सीनेट कराया है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस जो हमारी है उसने 95% जो उनके अफसरान और अहलकार हैं उनकी फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है, IG साहब ने उस दिन टास्क फोर्स की मीटिंग में बताया था। तो मैं कभी भी आपको उस चीज़ के लिए कायल नहीं करूँगा जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैंने वो चीज़ की है, मेरी लीडरशिप ने वो चीज़ की, और इसलिए की है क्योंकि डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है। खुदारा जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उसके मशवरों पर अमल करें, जो आपको बताता है कि इस वबा से बचने के लिए आपको वैक्सीन और ये मास्क, ये दो चीज़ें करना नागुज़ीर है। इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत कौम हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और अगले 8-9 रोज़ के अंदर जो ये बंदिशें लगी हैं इसके अंदर बड़े पैमाने पर अपने आप को, अपने घर वालों को वैक्सीनेट करा के सेफ्टी जोन की तरफ मुंतकिल करेंगे। बिकॉज डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको अगर खुदा ना खास्ता वायरस लगे तो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, उसको वो तकलीफ नहीं होती। और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी सियासी जमातें हैं जो हमसे इख्तलाफ करने का हक रखती हैं अगले 8-9 रोज़ के लिए अपने इख्तलाफ के ऊपर एक स्टे कर देंगी, सस्पेंड कर देंगी उसको, और हम लोग मिलकर, मैंने कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीफ़ की थी कि उन्होंने हैदराबाद में उनका जो आज शायद कोई रैली होनी थी उसको उन्होंने कैंसिल किया करोना वायरस की वजह से, वो उनका इकदाम काबिल सताइश था। मैंने उसकी तारीफ़ की, पब्लिकली तारीफ़ की, और मैं आज भी उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो लोग अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर कहते हैं, वो लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और हमारे कराची वालों को कायल करने में, सियासत करने में नहीं, कायल करने में अपना किरदार अदा करेंगे कि इस वबा से बचने के लिए हम सबको ये इकदाम उठाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये करके दर बहुत सारे हो गए, भूल जाऊंगा मैं, दो कर लें। चले चले कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो कल गालिबन 33% था,
तो वहां पीपल्स पार्टी गई थी। पेशावर में पॉजिटिविटी रेशियो तकरीबन कोई 13%, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में 10-11%, बीच में गुजरात में गालिबा 8-9% था, लाहौर में बढ़ के 7% हो गया, तो वहां भी पीपल्स पार्टी लोग लेके गई थी। ये समझने की जरूरत है कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के बाहर से आया है, और पाकिस्तान के बाहर से जब आया तो कोई ना कोई जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है उसने शायद अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं निभाया। कभी मैंने फैसल भाई को इस हवाले से बात करते हुए नहीं देखा, मैंने फैसल भाई का कोई ये स्टेटमेंट नहीं देखा कि कराची वालों को वो कन्विंस करें कि आओ यार वैक्सीन लगवाओ। मुझे अंदाजा है वो हमारी ऑपोजिशन है, हमारी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करेंगे, उनका हक है कि वो हमसे इत्तफाक ना करें, बट हमारी मौशी पॉलिसी हो, हमारी सियासी पॉलिसी हो, उनसे इख्तलाफ करें। जो सेहत है ना, इसके ऊपर इख्तलाफ का हक रखें, लेकिन 8-9-10 रोज रुक जाए ताकि हम लोगों को कायल कर सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें कि क्या करने की जरूरत है। एक आम कराची वाला जब देखेगा कि वजीर आला सिंध हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, गवर्नर साहब हो, वफाकी वजीर हो, सूबाई वजीर हो, कोई और सियासी लीडर हो, उसने मास्क लगाया हुआ है, उसने वैक्सीन लगवाई है, तो कहेगा यार मेरा लीडर ये काम कर रहा है तो मैं भी ये चीज कर लेता हूं, मेरे कुछ फॉलोअर्स होंगे, आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे, फलां के कुछ फॉलोअर्स होंगे, हम इस तरह लोगों को कायल कर पाएंगे, उनको कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर कहना शुरू कर दूं कि इंतजाम नाकिस है, मेरे सबसे आसान काम है, मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियो चलती हैं कि F9 का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें तबाही मच गई, मैं कभी उसको रीट्वीट नहीं करता, उसको इंडोर्स नहीं करता, कभी नहीं। मैं चाहूं मैं कर सकता हूं, अभी हालिया बारिशें हुई इस्लामाबाद में, तबाही आ गई वहां पे, तबाही आ गई। मैं इस्लामाबाद में था उस दिन, मैंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि वफाकी हुकूमत फेल हो गई, इमरान खान साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, असद उमर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। वजीर आला सिंध वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अंदाजा है कि अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है, न्यूयॉर्क में भी होती है, यूरोप में भी होती है, दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं। तो जो बुर्दबारी, जो लिहाज पीपल्स पार्टी दिखा रही है, अगर ये बाकी सियासी जमातें भी दिखाना शुरू कर दें तो शायद, मैं समझता हूँ ये जो संगीन मसाइल कोरोना वायरस के हवाले से सारे मुल्क को दरपेश हैं, हम उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। ये करके फिर बारी बारी करूँ, जब मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो आपसे हमेशा वो बात करता हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, और मैं कागज़ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि हमसे पूछा नहीं गया, आपके तमाम टीवी चैनल्स ने ये बात दिखाई थी ना, तो अगर पूछा नहीं गया था तो ये कैसे उन्होंने ये चीज़ लिख दी, तो गलत बयानी कर रहे हैं, अफसोसनाक है। जो दूसरी बात आपने की एक्सपो सेंटर की, मैंने कल सेक्रेटरी हेल्थ से बात की थी और आज सुबह भी वज़ीर आला सिंध की बात हुई मीटिंग में, और ये टास्क ये दिया गया कि हम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर और जगहों को देखें जहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर या और बड़े वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दें, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए DC को और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DC दोनों को स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर आप सूटेबल जगह आइडेंटिफाई कर लें जिसमें लोगों को आसानी होगी वैक्सीनेट कराने में, तो गवर्नमेंट वहाँ पर वैक्सीन लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। कल वज़ीर आला सिंध ने आपको बताया था कि उल्मा कराम से भी उनकी बात हुई और वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि इंशाल्लाह मंगल के रोज़ कोरंगी में दारुल उलूम में वैक्सीनेशन सेंटर सिंध गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हो रहा है ताकि हम वहाँ पे भी जाके वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो हम वैक्सीन जहाँ जिस तरह कहेंगे वो करने को तैयार हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये बताने की ज़रूरत है कि शायद तुम्हें वैक्सीन लगवाने में थोड़ा टाइम लग जाए, दुश्वारी आ सकती है थोड़ा, लेकिन प्लीज़ लगवाना ज़रूरी है, लगवाओगे तो आपके लिए बेहतर है। जी 2020 से अब तक कोरोना की सिचुएशन से हम लोग निपट रहे हैं और बार बार लॉकडाउन लगता है, सिंध हुकूमत ने अब तक कितना टैक्स माफ किया ताजरों को रिलीफ देने के लिए, और जो रोज के खाने कमाने वाले हैं उनकी इमदाद का एक स्वयं शुरू हुआ था, कुछ पैसे भी जमा हुए थे, फंड भी बना था, उसकी तफसीलात भी मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर, वो प्रोग्राम कितना आगे बढ़ा और कितने लोगों को दिया गया। अब 9 दिन के लिए जब आपने लोगों को घर में रहने को कहा है,
क्या उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा? जो रोज के खाने कमाने वाले दुकानदार हैं उनको कुछ सिंध बैंक कुछ कर्ज देगा? क्या आप रिलीफ देंगे उन छोटे ताजरों को, उन छोटे लोगों को जिनका गुजर बसर रोजाना ही कमाई का होता है? ताजरों का 90% टैक्स जो है ना वो FBR रिलेटेड है। कल भी कुछ ताजरों ने बिजनेस ने बात वजीर आला से की, हमने कहा ठीक है फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे। वो जो कहते हैं ना दमादम मस्त कलंदर होगा, थोड़ा वो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उस पर करें। जो सिंध गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो आपको याद होगा कुछ 4-5 कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने टैक्स पे रिमिशन दी थी। जब लास्ट ईयर हमने पहली बार लॉकडाउन अनाउंस किया था वो मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। हम SRB की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, SRB जो टैक्स लेती है इट इज़ द लोएस्ट इन द कंट्री। आप उसको मेरे ख्याल में गालिबन हमारा 13% है, फेडरल गवर्नमेंट का 18% है, पंजाब का शायद 17% है, पंजाब का शायद 16% है। तो हम तो ऑलरेडी वो टैक्स की शरह कम है। लेकिन हाँ, फेडरल गवर्नमेंट को कोई मदद करनी चाहिए, हम उसकी उनके अंदर मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कर्ज, बात बिल्कुल सही है आपकी। सिंध बैंक नहीं, सिंध बैंक को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसकी लेंडिंग पॉलिसी होती है, नेचुरली उस लेंडिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस तरह वजीर आज़म कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस तरह रियायत दे दी जाए, तो कराची के लोगों को जो ये मुआशी नुकसान इसमें हो रहा है उसके हवाले से अगर कोई एग्जेम्पशन ओरिएंटेड पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बना लेगी, स्टेट बैंक बना लेगी, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध बैंक जो है वो करने को तैयार होगी। ये इधर से कर, ये करके फिर मैं बारी बारी कर, इधर से कर जी। फिर तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के हर फैसले की मुखालफत करेंगे, बिकॉज इमरान खान साहब के हर फैसले में एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। कल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं ना उन्होंने, तो वो 1.5 रुपये की रिलीफ ही दे दें। अभी आतिफ आपने सवाल किया ना, तो चलो यार यही रिलीफ दे दो, चलो ये तो इनके हाथ में है ना, दे दें रिलीफ। तो ये हम लोग कभी कभार सेंसेशनलिज्म में इस तरह की बातें कर जाते हैं, थोड़ा सा उनको सिचुएशन को देखना चाहिए। मैं फवाद चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूँ बड़े समझदार आदमी हैं वो, लेकिन शायद PTI का असर अब उनके ऊपर आता जा रहा है कि वो PTI की लाइन अब टो कर रहे हैं। जो दूसरी बात की आपने, लोग वीडियोस बना लेते हैं, मेरे भाई ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। हम कोई आइडियलिस्टिक सोसाइटी में तो रह नहीं रहे, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें सही हो रही हैं। हाँ, चीज़ें गलत भी होती, चीज़ें अच्छी भी होती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अच्छी चीज़ को प्रमोट करेंगे या नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करेंगे। ये लोग कहते हैं बार बार SOP के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट वाले पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर इनके पास, इसमें कहते हैं कराची में SOP इतने % फॉलो हुई है। आप जाइए इस्लामाबाद, आप जाइए लाहौर, आप जाइए मरी, आप में से कोई आपका दोस्त इस वक्त मरी में है, उसने कल रात को मुझे मरी की तस्वीर भेजी है मॉल रोड की, किसी एक बंदे ने अगर मास्क पहना हो ना, जोक दर जोक लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, लोग चल रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, जो उनके डोमेन में उनके एरिया में चीज़ हो रही है उसकी कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी पॉलिसी अपने बयानात में तफरीक क्रिएट करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, तो एक आम आदमी जो है ना फिर वो डाउट में रहेगा, और उस डाउट का फायदा मैं समझता हूँ कोरोना वायरस को होगा, आवाम को नहीं। जी एक एक करके सबका जवाब जी। हंड्रेड परसेंट आपकी बात दुरुस्त है। आप किस चैनल से हैं? अच्छा, ओके समझ गया। अपना 9 दिन लगाएं
9 घंटे लगाए, 9 हफ्ते लगाए, तनकीद तो होनी थी। लेकिन क्वेश्चन ये है, और मैं आपसे चैनल पूछता हूँ, आपके चैनल से पूछता हूँ कि प्लीज़ ये दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग उसी तरह ट्विस्ट करके दिखाएंगे इसको। गुजारिश मेरी ये है कि अगर शहर के प्राइवेट अस्पताल 95% कैपेसिटी पर आ गए हों, अगर सरकारी अस्पताल 75% कैपेसिटी के ऊपर आ गए हों, तो आप क्या फैसला करेंगे? कोई ज़िम्मेदार हुकूमत क्या करेगी? अगर आपके चैनल के अंदर, आपकी इंतज़ामिया में, आपके काम करने वाले लोगों में अगर 30% तनासुब लोगों का पॉजिटिव आ रहा हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आप क्या फैसला करेंगे? आप भी, मैं समझता हूँ, इसी तरह का फैसला करेंगे अगर आपको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो इसलिए फैसला किया गया, 9 दिन इसलिए किया हमने कि फ्राइडे सैटरडे संडे, जब कल फैसला हो तो फ्राइडे ऑलरेडी सेफ डे था और संडे भी सेफ डे होता है, सैटरडे बीच का दिन आ रहा था, उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर फिर वीकेंड आ रहा है, तो बीच में 5 दिन ये बढ़ रहे थे। तो हमने कहा पहले फेज में लोगों को कायल करने के लिए, अगर आप 9 दिन का ये करते हैं काम और 9 दिन के अंदर इफ़ेक्टिवली ये लॉकडाउन हो जाता है, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो जिस तनासुब के साथ ये 23-25% डेली जो केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी स्पाइक को आप रोक पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसको आप रोक पाएंगे। और जब आप इसको रोकेंगे तो नेचुरली इसका जो दबाव है अस्पतालों पर, उसमें कमी आएगी। जब अस्पतालों में पेशेंट्स के दबाव में कमी आएगी, तो आपके पास कर सकते हैं, अदरवाइज अल्लाह ना करे, आपने जो दुनिया भर में देखा ऐसे ममालिक भी थे जहां पर बरवक्त फैसले नहीं हुए, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, और फिर वहां के मीडिया हाउसेज ने, टीवी चैनल्स ने ये फुटेजेस दिखाई कि पेशेंट का सड़क पर इंतकाल हो गया, पेशेंट को अस्पताल में जगह नहीं मिली, उसकी फैमिली ने सड़क में बैठ के, सड़क पर बैठ के उसको ऑक्सीजनेट किया, ऑक्सीजन टैंक लगा के। तो इसलिए हुकूमतें फैसला करती हैं। याद रखिएगा, जो इदारा, जो हुकूमत, जो जमात फैसला करेगी, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि फैसले करने पर तनकीद होती है। जो लोग फैसला नहीं करते ना, उनकी तनकीद कभी होती नहीं है। तो जो लोग फैसला करेंगे, तनकीद होगी। बट क्वेश्चन ये कि फैसला क्या आप नेक नियति से कर रहे हैं, अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल कर रहे। एक हो गया, चल मैं सॉरी, मैं मिस कर गया। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर मैंने, अगर आपने, आप जितना ट्विस्ट करना चाहें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई विल नॉट, मेरी बात मुझे पता है, समा मेरी बात तो सुनो, चलें आप अपने एजेंडा 360 पे चलते रहें, आपकी मर्जी है, आगे बढ़िए। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। जी जी सही है। ये समा का नहीं है, इसलिए इसने सही सवाल किया है। इसने बताया कि वे आउट क्या है। अब सुने ना मेरी बात, अच्छा सुने तो सही ना। उसने वे आउट बताया, आपकी मर्जी है। इसने कहा ये सैनिटाइजर की बोतल आधी भरी हुई है, आपने कहा आधी खाली है। बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की। देखिए, लास्ट ईयर ये सोशल मीडिया पे वीडियोस चली थी कि लोगों को इस तरह तजहीक का निशाना बनाया गया, और उस वक्त जो पुलिस अफसरान ने ये चीज़ की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वो गलत चीज़ हुई थी। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर इस तरह की चीज़ की जाएगी, वो गलत है, इसकी निशानदेही होगी। जो लोग ये चीज़ करेंगे वो गलत करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो पुलिस अहलकार, इंतजामिया का शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, उस पैसे की आड़ में उसको उसका बिजनेस चलाने की इजाज़त देता है गैर कानूनी तौर पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। नंबर थ्री, जो आपने वैक्सीनेशन की बात की, बात बिल्कुल ठीक है कि हम वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि नाको अभी भी फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है, जहाँ जहाँ नाके लगते हैं वहाँ पर हो गया ना, बस जी मसला हल। कल अब्दुल रशीद साहब मीटिंग में मौजूद थे, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने
सपोर्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। आपके जो फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से साहब आए हुए थे, जो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है सर, नागुजीर है, लेकिन आपको कुछ ऐसे फैसले भी करने चाहिए जिसमें आप हमारी बिजनेसमैन को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं जो कि जगह जगह हमको कह रहे हैं कि आपने बरवक्त फैसला किया है, लेकिन शायद ये फैशनेबल हो गया है कि आपको सिंध हुकूमत जो फैसला करे उसको तनकीद का निशाना बनाना है। आपने बड़ी सही चीज़ की निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी चाहे तो लाहौर की इंतज़ामिया के फैसले को तनकीद का निशाना बनाए और कहते हम इसको रद्द करते हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की बयानबाजी नहीं देखेंगे। और इसकी वजह यह कि हम जिम्मेदाराना सियासत पर बिलीव करते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने किसी पीटीआई के ऊपर तनकीद नहीं की अभी भी, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगले 8 रोज़ खुदा का वास्ता है, इन चीज़ों के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बयानबाजी ना करें, मिलकर ये जंग लड़ लें। इंशाल्लाह उसके बाद जिंदगी रही, सेहत रही, तो बिल्कुल एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। मेरे ख्याल में आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया और इसके ऊपर हमें भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से कानूनी चोरा चारा जोई इन लोगों के खिलाफ स्टार्ट की जाए। लेकिन मैं एक तरीका बताऊं इनसे बचने का, आप लोग इसको कवर करना छोड़ दें, टीवी पे ना दिखाएं, ये कुछ भी नहीं होगा। ये अपने आप को नेचुरली हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं ना, आप इसको कवर करना छोड़ दें। सिर्फ एक मेरी गुजारिश है, इसको सोशल मीडिया पर भी ना चलाएं, टीवी पर भी ना चलाएं, देखिएगा अगले हफ्ते ये चीज़ नहीं करेंगे। थैंक यू।